आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आज भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है और आज के दिन भगवान वाल्मीकि सेवा संघ द्वारा जो समागम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए, यहाँ पे भव्य समागम का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ यहाँ पे वाल्मीकि सेवा संघ के जो सदस्य हैं वो जुड़ने लगे हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो आज ये इन्होंने इतना बड़ा समागम किया इसके बारे में इनका क्या कुछ कहना है। हाँ जी, जय वाल्मीकि जी, हर हर वाल्मीकि। मैं गोल्डी सब्बरवाल, वाइस प्रधान वाल्मीकि सेवक संघ VSS, सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे पावन प्रगट दिवस के उपलक्ष्य के बीच एक विशाल समागम वाल्मीकि सेवक संघ VSS वालों इस्लामगंज करवाया गया, सत्संग करवाया गया, जिस दे विच अज साडे भारत सरकार तो साडे भारत सरकार तो SC कमीशन के राष्ट्रीय चेयरमैन कैबिनेट मंत्री रैंक श्री विजय सांपला जी मुख्य तौर पर पहुँच रहे हैं। उन्होंने नाल नाल साडे धार्मिक गायक राजन गिल जी, रश्मि सलीम जी और सुरिंदर रसीला जी, सारे ही बलविंदर मत्तेवाड़िया जी, सारे ही गायिका वालों भगवान वाल्मीकि महाराज जी का गुणगान किया जाएगा। इस संबंध के साड़ी वाल्मीकि सेवक संघ का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा दे उत्ते प्रचार और प्रसार करना है। उसी संबंध के अज असी 20 बच्चे अडोप्ट करने हैं वाल्मीकि सेवक संघ ने, उन्होंने पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा वाल्मीकि सेवक संघ उठाएगा जी। जी, तो क्या ये पहले भी जो बच्चे हैं इनके इस शिक्षा का आपने जो दायित्व है वो उठाया था? जी, असी स्टार्टिंग तो पिछले 20 साल तो लगातार इस काम के लगे हुए हैं। जिथे भी सानू लगता है कि यह बच्चा गरीब है जो कोई पढ़ाई पढ़ना चाहता है पर उन्हें फीस नहीं है, उनके को पैसे नहीं है, वो असी हर वेले असी मदद करते रहते से उनकी। पर वाल्मीकि सेवक संघ ने एक सारे दोस्तों ने मिलजुल के एक बीड़ा उठाया कि अज तो बाद असी सारे ही रल के इस काम में अगे तो जोड़ा चल रहा है इनू जोर शोर के करांगे, चाहे वह बच्चा किधरे दे पंजाब के अंदर, पूरे लुधियाने की नहीं मैं गल कर रहा, पूरे पंजाब के अंदर कितने भी कोई गरीब बच्चे की सानू जो उन्हें माता पिता की कॉल आएगी जब सानू लगेगा वाकई डिजर्व करता है, असी उन्होंने पूछ पड़ताल करके उनके असी बच्चे अडोप्ट करांगे और सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो है वह वाल्मीकि सेवक संघ देगा। सर, आज का जो समागम किया गया है इसके बारे में थोड़ी और जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, आज साड़ी ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति प्रभु भगवान वाल्मीकि महाराज जी का पावन प्रगट दिवस है। इस उपलक्ष्य के बीच एक विशाल सत्संग जो साढ़े इस्लामगंज वाल्मीकि सेवक संघ वालों मैं पहले भी दस के हटिया करवाया गया, जिस दे विच साढ़े विक्की सहोता जी करे वाल्मीकि भगवान जी के प्रगट दिवस को लेकर ये कितने सालों से कर रहे हैं? सब तो पहला ता मैं अज का जो विशाल सत्संग समारोह वाल्मीकि सेवा संघ वालों इस्लामगंज मोहल्ले जो आयोजित किया गया है उस दे विच VSS की सारी टीम, साढ़े सरप्रस्त बबलू नारा जी, विक्की सोता जी, प्रिंस जी, गोल्डी सब्बरवाल जी, शारदा जी, जिन्नी भी समुची टीम का मैं दिल तय दिलों धन्यवाद करता हाँ कि जिन्होंने एक बहुत वधिया अरेजमेंट किया। साडा VSS जो मुख्य टीचा है ये पिछले 13-14 साल तो साड़ी संस्था काम कर रही है, एजुकेशन के मुद्दे पर ही काम कर रही है। साडे काम नूं देखते हुए साडे विच दो तीन संस्थावां ने साडे नाल मर्ज हुई जिन्हां विच लोकित एजुकेशन के संस्थापक श्री VK टांग जी ने भी इस संस्था नूं मर्ज अपनी संस्था नूं मर्ज करके साडी संस्था नाल टाई अप किया, क्योंकि वाल्मीकि सेवा संघ दा मुख्य टीचा साडा उद्देश है उस दे विच सिर्फ एजुकेशन है। अज जो असी 20 बच्चों उन्होंने स्कूल की फीस, उन्होंने प्लस टू तक का सारा खर्चा असी मुहैया करवाया है वाल्मीकि सेवक संघ वालों, भविख्य के पूरे लुधियाने शहर चो नहीं पंजाब के जितों भी किसी गरीब परिवार को या किसी भी गरीब तबके के किसी भी धर्म मजहब के बच्चे साड़ी कोई हेल्प की लोड़ होगी असी जरूर मोढ़े ना मोढ़ा ला के खड़ांगे ताकि जो बच्चा वो भविख्य पढ़ के इस देश के कुछ बन के साड़ी कौम का, साड़ी संस्था का अते अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो जो ये बच्चों को शिक्षा देने का जो आपका ये उपराला है ये किसकी सोच थी और ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें बच्चों को ये एजुकेशन देनी है फ्री में? देखिए, इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर साहब जी इस देश के पहले कानून मंत्री हुए। डॉक्टर BR अंबेडकर जी का पहला तो आखिरला एको ही उद्देश्य सी शिक्षा। शिक्षा एक वो ब्रह्म शस्त्र है जिदे नाल तुसी पूरी एक शहर नूं नहीं बल्कि पूरी लोक सभा नूं या अपनी उन्होंने विधानसभा नहीं कवर कर सकते बल्कि विदेशों में भी जाके तुसी अपने अपने समाज का दर्द, अपना पक्ष,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ VSS ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨਗਰ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਵਲਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਵਨ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ VSS ਨੇ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ 20 ਬੱਚੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ VSS ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, IPS IAS ਅਫਸਰ ਬਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਭੀਮ। जैसा कि आपने देखा कि जो वाल्मीकि सेवा संघ हैं उनके द्वारा छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का ये दायित्व उठा रहे हैं, क्योंकि जो कई गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, तो ऐसे में जो इनका उपराल है ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कदम है। और आज भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस पर यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है, और बहुत ही भव्य सत्संग का आयोजन किया गया, साथ ही यहाँ पर लंगर की भी पूरी व्यवस्था की गई है। और आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए देखते रहिए आत्मा चैनल, सिटी होम न्यूज़। कैमरामैन विकास के साथ नलिनी।